नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। देश की राजधानी की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्ण ढंग से करने के वादे किए गए थे। रास्ता भी तय था, समय भी तय था, सीमा भी तय थी। फिर क्या हुआ कि किसानों के आंदोलन ने देश को शर्मसार कर दिया। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका था। पुलिस ने किसानों को चौहद्दी बता दी थी, कहां तक ट्रैक्टर जाएंगे, किन किन रास्तों पर ट्रैक्टरों की धक धक चलेंगी, कहां ट्रैक्टरों के टायर के निशा भी नहीं मिलेंगे। खाके में दिल्ली पुलिस ने सब कुछ बता दिया था। दिल्ली पुलिस ने तय कर दिया था कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे, वो भी गणतंत्र दिवस के महापर्व पर। किसान तैयार थे, ट्रैक्टरों की टंकियां फुल थी, पुलिस अलर्ट पर थी, गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली का जो खाका खींचा था वो धरा का धरा रह गया। दरअसल किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो रूट तय हुआ था वो मुख्यतः 3 रूट थे, जिसमें किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से रैली को निकालना था। पुलिस के मुताबिक पहले रूट में किसान सिंगू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर पर वापस लौट जाएंगे। ये करीब 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा, जिस पर किसानों को ट्रैक्टर रैली की खुली छूट मिली थी। वहीं दूसरा रास्ता जो दिल्ली पुलिस ने तय किया था वो टिकरी बॉर्डर से नागलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे तक पहुंचना था। ये रूट भी करीब 63 किलोमीटर का होता। वहीं तीसरे चरण में गाजीपुर से 56 फुट रूट अप्सरा बॉर्डर हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेस तक जाएंगे। ये रूट भी करीब 46 किलोमीटर का रहा होगा। दिल्ली से सटे नाकों पर ट्रैक्टरों का जमावड़ा दिखाई दिया, जिन पर झंडे लगे हुए थे, तिरंगे लगे हुए थे। लाखों की तादाद में ट्रैक्टरों के जमावड़े सारी हदें पार कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ परेड के लिए अनुमति दी थी, तो सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली पुलिस कहां पर गच्चा खा गई और कैसे किसान लाल किले तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति नहीं दे रही थी। किसान नेता दावा कर रहे थे कि वे शांतिपूर्ण परेड निकालकर देशवासियों का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन जब परेड निकली तब हुआ सब कुछ उलट। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के पास ये इनपुट मिले थे कि किसान लाल किले पर अपना झंडा फहरा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने की कोशिशें भी हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ परेड के लिए अनुमति दी थी। दिल्ली पुलिस इनपुट के बावजूद गच्चा खा गई और किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश की अपनी रणनीति में सफल रहे। दिल्ली पुलिस लगातार किसानों से बात कर रही थी। पुलिस के पास इनपुट था कि कुछ किसान लाल किले पर झंडा फहरा सकते हैं। किसान भी दिल्ली पुलिस से लगातार बातचीत कर रहे थे। किसान नेता भ्रमित करने के लिए दिल्ली पुलिस से लगातार बात करते रहे, ताकि आईटीओ के रास्ते किसान बड़ी संख्या में लाल किला तक पहुंच सके। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच परेड को लेकर जो सहमति बनी थी, जिन शर्तों पर सहमति बनी थी, वह टूट चुकी थी और देश शर्मसार हो चुका था। और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से, फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें। और साथ ही
जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के तीन जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, तो दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन हम लोगों ने इस पर विचार कर ताकि इसका एक पीसफुल और एक डिसिप्लिन्ड सॉल्यूशन हो और एक विन विन सिचुएशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं। राजपथ पर जैसे ही गणतंत्र दिवस की परेड का समापन हुआ, ट्रैक्टर परेड में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। इसके बाद जो वहां गदर सा मचा, उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। एक तरफ जहां हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हाथों में तिरंगा और अपने संगठन का झंडा लिए ट्रैक्टर में बैठे नजर आए, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसान आंदोलन का क्या होगा, क्या आंदोलन जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा। लाल किले की घटना के बाद किसान आंदोलन का क्या होगा, क्या खत्म होगा आंदोलन या फिर और भी कुछ और देखने को मिलेगा किसान आंदोलन में। दिल्ली ने हिंसा के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ट्रैक्टर रैली के लिए वक्त और रूट कई दौर की बैठकों के बाद तय किया गया था, लेकिन किसान तय रूट की बजाय दूसरी जगह से ट्रैक्टर ले आए और तय वक्त से पहले दिल्ली में प्रवेश किया है। मामले में किसान नेता राकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था, मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधु है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पाद है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। नागलोई थाने में जो FIR दर्ज है उसमें न सिर्फ डकैती की धारा लगाई गई है बल्कि 39 किसान नेताओं के नाम भी FIR में शामिल है, जो सरकार के साथ वार्ता के लिए विज्ञान भवन जाते थे। इसी FIR में योगेंद्र यादव का भी नाम है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वो अपनी अगली रणनीति 1-2 दिन में तय करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने 1 फरवरी को बजट के दिन संसद मार्च करने की घोषणा की थी। वहीं लाल किले में हुई घटना के बाद राकेश टिकैत से नाराज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन से अलग हो गया है। किसान नेता VM सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। वहीं VM सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत सरकार के साथ मीटिंग में गए, उन्होंने यूपी के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई क्या, उन्होंने धान की बात की क्या, उन्होंने किस चीज की बात की, हम केवल यहाँ से समर्थन देते रहे और वहाँ कोई दूसरा ही नेता बनता रहा। तो देखा आपने, किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरों ने बेशक लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। किसानों का सहारा लेते हुए कुछ अराजक तत्वों ने अपने संगठन के साथ मिलकर यह अराजकता फैलाई और इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। कई किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। हालांकि देखना अहम होगा कि अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। इसी के साथ ही किसान आंदोलन किस ओर रुख करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।